हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं ब्लॉग शूट करने, एक नर्मदा जी का घाट है हमारे यहाँ पास में 6 किलोमीटर दूर। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे, ऐसे ही मन कर रहा था मेरा बहुत दिन से जाने का, तो मैं जा नहीं पा रहा था। आज हम जा रहे हैं वहाँ पे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो उम्मीद है आप इस ब्लॉग को पसंद करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं अभी। अभी हम नीचे चल के भी दिखाएंगे आपको, ये यहाँ से जाते हैं घाट पे, ये माँ नर्मदा है। तो गाइस यहाँ पे हवन पूजन हो रहा है, यहाँ पे वो चलते ही रहता है, और ये मेरा वो दोस्त जो साथ में आया मेरे। तो चलिए हम चलते हैं। पैंट ऊपर करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पैंट भीग जाएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत दिन बहुत दिनों के बाद आए हैं हम लोग यहाँ पे। और आज हम आए हैं मोहर, और अभी हम लोग यहाँ की पूरी वीडियो लेके आपको YouTube चैनल पे बताएंगे। और अभी जा रहे हैं हम पहाड़ पे, तो आइए देखिए पहाड़। तो भाई अभी हम आ चुके हैं पहाड़ के ऊपर अपनी गाड़ी लेके, जैसे कि देख सकते हैं, दिखाइए, जैसे कि हम अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं। और अभी हम लोग 50 फीट की ऊंचाई पे हैं, 50 फीट की ऊंचाई पे हम लोग बाइक लेके आए हैं पहाड़ पे। अभी हम लोग और ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर से दिखाएंगे कि कैसा दिखता है यहाँ का सीन। तो चलिए मेरे साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ का व्यू देखिए, अभी और ऊपर भी चढ़ना बाकी, तो हम वहाँ भी चलेंगे। तो ये है इस पहाड़ का टॉप, अभी हम देखते हैं इसके ऊपर होगा तो भी चलेंगे, वरना यहाँ तक भी चलते हैं। तो हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है पीछे, जैसे कि आप देख सकते हैं, जस्ट पीछे पीछे नीचे देखा देख रही है। तो कैमरा मेरे को दे दीजिए, कैमरा मैन सर। और अभी हम आगे का देखते हैं, पहाड़ों में भी लोग, यहाँ भी कुरकुरे दारू के पैकेट, यहाँ पे भी मतलब कोई लोग आते होंगे, हम लोग पहले नहीं है जो आए हैं यहाँ पे। खैर पहले हुए होते तो रास्ता नहीं मिलता बना हुआ, और मैंने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी, बट यहाँ पे चढ़ी नहीं, तो कोई नहीं, मतलब चढ़ ही नहीं सकती। तो अभी हम चलते हैं इस साइड, दूसरे साइड, मतलब सामने। अभी देखिए हम लोग होंगे 100 फीट की ऊंचाई पे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ से व्यू देखिए। वो जगह यहाँ पे आप जैसा कि सीधा अभी देख सकते हैं, यहाँ पे वो पूरी जगह है जो कि खुला है, एक मैदान टाइप का थोड़ा सा है। और कमेंट सेक्शन में आपको बताइए अगर एक अवेंडेड हॉस्पिटल का आपको ब्लॉग चाहिए, मैं प्रॉपर उसको कवर करूँगा, क्योंकि हमारे एरिया में एक टोटली अवेंडेड हॉस्पिटल है जो कि 20 साल से बंद है। उसका पूरा इंटरव्यू मैं पूरा अच्छे से उसका ब्लॉग शूट करके आपको प्रॉपर तरीके से उसको दिखाऊंगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, वो एक इंसान चल रहा है वहाँ पे, आप देख सकते हैं कितना सा छोटा सा दिख रहा है, बिल्कुल इतना सा। तो आप इसी से भी इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग कितनी ऊंचाई पे होंगे, हम लोग टॉप पे हैं इस पहाड़ की टॉप पे, इससे ऊंचा पहाड़ है ही नहीं यहाँ पे। मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आया हूँ, तो यहाँ पे गाड़ी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने रास्ता बना, मतलब आप लोग सोचो कि मैं रिस्क वियरिंग करके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो अभी आगे साइड और देखते हैं, और फिर नहीं होगा कुछ तो फिर नीचे जाके दिखाएंगे हम लोग कहाँ पे थे और अभी कहाँ पे हैं। ये पैर में बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं यहाँ पे, और कांटे वगैरह भी, एक और मैदान जैसा है यहाँ पे कुछ। तो चलिए वहाँ पे देखते हैं यहाँ पे। हाँ ये देखिए गाइस, पहाड़ के ऊपर इतनी ऊंचाई पे थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि चल के आए हैं तो हाँफ रहे हैं हम लोग, और ये रास्ता तो सीधा सीधा वहीं को जा रहा है, तो क्लियरली शायद आप देख सकते हैं इस चीज़ को। और ब्लॉग कैसा लग रहा है गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। ब्लॉग करने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, और उस साइड का व्यू आपने नर्मदा का देख लिया है, इस साइड का भी देखिए।
चलिए गाइस आगे चलते हैं। ये रास्ता तो सारा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जहाँ तक ये रास्ता जाएगा हम भी वहीं तक जाएंगे, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे पहली बार आया हूँ। एक बार आया था तो वहीं पीछे तक आया था, इसके आगे तो मैं भी नहीं गया, तो देखते हैं कहाँ तक जाता है ये रास्ता। और शायद ये रास्ता यहीं पर ख़त्म हो गया है, क्योंकि जगह अच्छी है ये। नहीं, और आगे तक है, बट हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो नीचे पे है और हम ऊंचाई पे हैं। देख लीजिए गाइस, हम लोग बहुत नीचे पे हैं अभी, हम लोग थोड़ा बहुत नीचे हो गए होंगे क्योंकि हम लोग 100 फीट हैं धरती से, उधर से लेके यहाँ तक मतलब लंबाई जो है ना इसकी हाइट 100 फीट है। तो यहाँ पे ये कुछ देख सकते हैं आप, ऐसा है नीचे की ओर वो खड़ी है मेरी गाड़ी बाइक जिससे हम आए थे। कोशिश कर रहा था मैं ऊपर चढ़ जाएगा लेकिन वो नहीं चढ़ी, क्योंकि ढलान बहुत सीधी है। एक बाइक वो खड़ी है, कितनी दूर दिख रही है, और एक हम यहाँ पे ले गए, उधर से लेके यहाँ पे आए हैं। ये भी सीधी ऐसी ढाल है, ऐसी वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये बिल्कुल खड़ी ढाल है। पूरे पूछते हैं कैसी ढाल होगी ये, बिल्कुल खड़ी ढाल है। अभी गाड़ी उतारेंगे जब वीडियो बनाएंगे, काफ़ी ऊंची नीची जमीन ऐसे में गिर सकता था, बढ़ गया। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर से नीचे, अभी हम चलते हैं उसी ओर, क्योंकि घर में आना शाम हो गई है। हम लोग अपने घर से 10 किलोमीटर दूर हैं अभी, क्योंकि आउटर एरिया जंगल जंगल वाला एरिया है, नदी का घाट। तो अभी हम चलते हैं सीधे घर की ओर, और आपको बीच बीच में दिखाएंगे सिनेमैटिक शॉट। तो बाय गाइस। यहाँ पे ट्रैक्टर फंस चुका है, रेत के कटाई हो रही थी, ट्रैक्टर फंस चुका है, चलिए आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। वो रहा ट्रैक्टर, चलिए पास चलकर दिखाते हैं। ट्रैक्टर फंस चुका है, रेत की कटाई हो रही है। लंबा होने वाला थोड़ा ब्लॉग, तो आप दिख रही है तो हिल खोद रहे हैं कि वो ट्रैक्टर निकल जाए यहाँ से, बट ट्रैक्टर निकलने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे। इसमें फुल भरी रेत, और हो चुकी है शाम, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। ये उद्देश्य यादव बैठी है गाड़ी पे। ट्रैक्टर तो निकलने वाला है नहीं, हम लोग हो रहे हैं लेट, तो हम लोग जाते हैं। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।